ये पाखंड आडंबर दिखावा छलावा है। पार्टी बदल ली पर राम मंदिर का मुद्दा नहीं बदला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। राम की प्राण प्रतिष्ठा एक पाखंड है और एक धोखा है। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते ये शब्द हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान बार बार देकर क्या साबित करना चाहते हैं? इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की है। इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर धूल झोंक रही है, आपको मुद्दे से भटका रही है, धर्म और राम की दुहाई दे के वोट बटोरना चाहती है। राम की प्राण प्रतिष्ठा एक पाखंड है और एक धोखा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश का संविधान ही खतरे में है, बिना विज्ञापन निकाले ही नौकरियां दी जा रही हैं, जनता के साथ धोखा हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, रोटी के लिए मोहताज है, महंगाई से कमर टूट रही है, बीजेपी की सरकार ने धोखा किया है, किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की आजादी में जिनका योगदान है उनके खिलाफ ये काम सही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, सरकारी संपदा को उद्योगपतियों को दे दिया गया है, सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। इसके साथ ही साथ ये तो अभी इनकी शुरुआत है, देश को बेचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी राम के नाम पर लूट रही है, ये राम का अपमान है जो सबको जन्म देता है, पीएम मोदी उनके प्राण प्रतिष्ठा करने गए। तो क्या राम निष्प्राण थे? ये तो भगवान को भी धोखा दे सकते हैं। और साथियों, राम का अपमान भी, राम को मानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, राम का अपमान भी है। भगवान को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता? भगवान से भी ऊपर हो गए। जो सबको जीवन देता है उसको जीवन देने वाले मोदी जी कैसे? इसका मतलब साबित करना चाहते हैं ये भगवान राम निष्प्राण थे, इनके अंदर जीव नहीं था, जीवन नहीं था, मृतप्राय हो चुके थे, हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जीवन दिया। यानी भगवान को भी चुना लगाने से ये बात नहीं आते हैं, आप सब तो इंसान हो। यानी आप सब तो इंसान हो, ये तो भगवान को भी धोखा देने में माहिर है। उन्होंने कहा कि काशी राम तो सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते थे, उनके सपने को साकार करने के लिए हम किसी भी प्रकार का खतरा उठा लेंगे। वहीं किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, दोगुनी लाभकारी वादा करने वाली सरकार आज MSP की मांग पर लाठियां बरसा रही है, किसान आंदोलन ना करे, धर्म की घुट्टी पिलाकर उसको चुप करना चाहते हैं।